हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। आज की टिप में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग टिप्स। इससे आपका स्किन क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग बन जाएगा एंड साथ ही आपका स्किन पे पिंपल्स एंड एक्ने स्कार्स को भी ये हटाता है, ये स्किन वाइटनिंग टिप्स। तो चलिए देखते हैं वो टिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग टिप्स। अभी इसके लिए आपको चाहिए योगर्ट यानी कि दही, विटामिन ई कैप्सूल्स। अभी सबसे पहले एक क्लीन बाउल लीजिए, उसमें एक चम्मच योगर्ट यानी कि दही ऐड करना चाहिए। अभी इसमें एक कंप्लीट विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लेना चाहिए। अभी इसको एक ईयरबड की मदद से आप एक मिक्सअप को अच्छे सा मिलाना चाहिए। अभी ये पैक को आपका चेहरे के ऊपर एंड डार्क सर्कल्स के ऊपर आप ये पैक लगा लेना चाहिए। आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स है तो आप इसको हेयरबड की मदद से स्पॉट्स के ऊपर आप इसको लगा लेना चाहिए। ऐसा लगाने के इसको आप सूखने तक ऐसे छोड़ दीजिए। मैं इसमें योगर्ट यूज कर चुकी हूँ। योगर्ट में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है। ये अपने चेहरे पे पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन को एंड एक्ने स्कार्स को दूर करने में बहुत मदद करता है। साथ ही ये अपना स्किन को मॉइस्चराइज की जैसा काम करके आपको क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग स्किन बनाने में बहुत मदद करता है योगर्ट। और इसमें विटामिन ई कैप्सूल यूज कर चुकी हूँ। ये विटामिन ई कैप्सूल अपना स्किन को क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग लाने में बहुत मदद करता है एंड साथ ही इसमें न्यूट्रल प्रॉपर्टीज रहता है। ये अपना स्किन पे डेड स्किन सेल्स को हटा के न्यू सेल्स ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत आसान है। विटामिन ई कैप्सूल्स चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल्स को भी हटाने में बहुत कोशिश करता है विटामिन ई कैप्सूल्स। आप डेली रात को ये पैक को सोने के पहले लगा लीजिए, अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छा मसाज कर लीजिए। इसके बाद 10 मिनट्स के बाद आप नॉर्मल पानी से आपको चेहरे को धो लीजिए। ऐसा आप डेली करने से आपको विजिबल डिफरेंस दिख पाता है, आपका स्किन क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड ये वीडियो आपका फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। आगे से और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके फिर मैं आपके सामने आऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।